नमस्कार, नया रूप में आपका स्वागत है। अलीगढ़ शराब कांड में एसएसपी कलानिधि नैथानी ने 25,000 के इनामिया आरोपी नीरज चौधरी को गिरफ्तार किया है। उसके साथ चोप सिंह को भी गिरफ्तारी हुई है। बताते चले कि अलीगढ़ में कच्ची शराब पीने से 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, यह आधिकारिक आंकड़ा है। इससे ज्यादा संख्या हो सकती है जिनकी तबीयत खराब नहीं हुई, जो हॉस्पिटल नहीं गए और जिनको लेके बहुत तेज आवाज नहीं उठी, उनकी मौत की संख्या यदि जोड़ ली जाए तो ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। शराब प्रकरण में अब तक जिले के थानों में कुल 17 FIR दर्ज हो चुके हैं और 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके पहले SSP अलीगढ़ ने 50,000 के इनामी बदमाश विपिन यादव को गिरफ्तारी की थी। उसके बाद 25,000 के इनामी मुनीश शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया था। आज 25,000 के ही इनामी नीरज चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और खास बात यह है, 5 करोड़ की संपत्ति पुलिस ढहा चुकी है। शराब माफियाओं की संपत्ति पुलिस ने ढहाई है, बिल्कुल योगी सरकार की तर्ज पर। जिस तरह से अपराधियों के घर इस सरकार ने गिरा दिए, उसी तरह शराब माफियाओं का घर एसएसपी कलानिधि नैथानी ने ढहा दिया। उन्होंने कहा कि हमने 5 करोड़ की संपत्ति ढहा दी है और करीब 100 करोड़ की संपत्ति की निशानदेही की है। शराब प्रकरण में अब तक गिरफ्तार अभियुक्तों के बयान और निशानदेही के आधार पर भारी मात्रा में अपमिश्रित शराब करीब 7476 लीटर तथा 5723 नगरी ढक्कन बरामद किए गए। अब SSP अलीगढ़ हिरासत में लिए अनिल चौधरी के साले और 25,000 के इनामी नीरज चौधरी से सघन पूछताछ कर रहे हैं। जनपद अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मृत्यु के संबंध में मेरे द्वारा 6 टीमें गठित की गई थी, जो लगातार एक हफ्ते से 6 राज्यों में दबिशें दे रही हैं, जिसमें प्रमुखता से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ये शामिल हैं। जगह अलग अलग जनपदों में रेकी भी की जा रही है, दबिशें भी दी जा रही हैं। और इनमें अगर हम अब तक गिरफ्तारी की बात करें तो 17 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 40 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें प्रमुखता से अगर बात करें तो 50,000 का इनामिया विपिन यादव, 25,000 का इनामिया मुनीश शर्मा और आज ही हिरासत में लिए गए 25,000 का इनामिया नीरज चौधरी, जो कि मुख्य अभियुक्त अनिल चौधरी का साला लगता है, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नीरज चौधरी से सघन पूछताछ करने एवं बरामदगी करने हेतु टीमों को निर्देशित किया गया है। अगर संपत्ति ध्वस्तीकरण की बात करें तो प्रशासन पुलिस द्वारा अब तक 5 करोड़ की संपत्ति या तो ध्वस्त की गई है या कब्जा मुक्त कराई गई है, वहीं 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति को चिन्हित कर लिया गया है। अलग अलग टीमें एडिशनल SPs के नेतृत्व में बनाई गई हैं। प्रमुखता से ये 4 टीमें हैं, एक सफल अभियोजन के लिए बनाई गई है, एक उत्कृष्ट विवेचना के लिए बनाई गई है, एक इंटरोगेशन पूछताछ के लिए और एक टीम जो है वो संपत्ति चिन्हीकरण के लिए बनाई गई है। साथ ही इनके सहयोग के लिए एवं विधिक राय के लिए JD प्रोसिक्यूशन जो जनपद के हैं उनको उनकी अपनी टीम जो है इन टीमों के साथ काम कर रही है। अगर जो पुलिस की छापेमारी के डर से कुछ लोगों द्वारा जो भंडारण किया गया था अवैध शराब को नहर या उसके आसपास फेंका गया था, उसके लिए जो 56 गांव आसपास के हैं वहाँ मुनादी कराई गई है और वो लोग नहर का पानी रोक करके आसपास सघन उसमें जगह इसकी चेकिंग हो रही है, छानबीन हो रही है और जहाँ जहाँ बरामद हो रहा है वहाँ पर विधिवत उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा लोगों को ये कहा गया है, सूचित किया गया है कि कहीं पर भी यदि लावारिस शराब मिलती है, अवैध शराब मिलती है तो तत्काल उसकी सूचना 112 पर दें, उसका कदापि भी सेवन ना करें, वो जहरीली हो सकती है। कुल बरामदगी की बात करें तो अब तक 7,000 लीटर से ज़्यादा शराब बरामद की जा चुकी है, 1,000 लीटर से ज़्यादा स्पिरिट और इसके अलावा लगभग 5,000 ढक्कन, कई वाहन सीज किए जा चुके हैं, 3,000 से ऊपर रैपर, 5,000 से ज़्यादा QR कोड और 150 से अधिक अवैध शराब की पेटियां बरामद की जा चुकी हैं। सभी टीमों को ये मैंडेट दिया गया है कि अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई जारी रखें और ये कमर तोड़ कार्रवाई इनके विरुद्ध आगे भी जारी रहें। इनमें कई और लोगों का नाम आना तय है और कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि अलीगढ़ कांड में पुलिस तेजी से गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन पूरे देश में कच्ची शराब के कारण सरकार की छीछालेदर हुई है, पुलिस की छीछालेदर हुई है और पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान है।